वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 एंड दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3 बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द सेलेक्टेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सिंगल वीडियो. सो दिस इज पार्ट वन ऑफ द एक्सरसाइज 10.3. और अगर एक्सरसाइज के इस चैप्टर के फार्मूले आपने नहीं रिवाइज किए हैं तो किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले, फर्स्ट रिवाइज ऑल द फार्मूला फ्रॉम द बुक, और हमने भी कहीं लिख रखा है वहां से रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आइए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. और इस क्वेश्चन नंबर 4 के पहले है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड अपॉन हाउ टू कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म. सो इन द नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज एक बहुत स्पेशल टॉपिक है हाउ टू चेंज द इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, इसलिए इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने उसके स्पेशल टॉपिक करके कर दिया है. दैट इज हाउ टू चेंज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म. सो एक्सरसाइज 10.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, दिस इज माई डीप रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज माई डीप रिक्वेस्ट टू यू, फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन देयर एंड देन कम ऑन दिस एक्सरसाइज. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू. सो सी द क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -11 फ्रॉम द लाइन 12 × x + x इज इक्वल टू 5y - 2. एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बट किसी भी फार्मूले को, परफेक्ट फार्मूले को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, ओनली दैट वन आई वॉन्ट टू टेल विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, कि किसी भी फार्मूले को किसी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे. सो दिस वन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट -11 फ्रॉम दिस लाइन 12x + y - 2. सो फर्स्ट स्टेप, ये जो 12x + 6 = 5y - 2 है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज मीन्स दैट शुड बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन. सो पहले इसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद फार्मूला सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, देन यू विल गेट दिस वन 12x - 5y + 82 = 0. दिस इज रिटेन इन द जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन और या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन. फार्मूले को अप्लाई करने के पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में होना चाहिए. सो दिस इज कन्वर्टेड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म. नाउ एक फार्मूला है, फार्मूला हमने क्या लिखा है, बुक में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत यूजफुल फार्मूला है, दैट डायरेक्ट फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट. सो दिस इज द फार्मूला दैट ax1 + by1 + c / √a² + b² वेयर ए बी सी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी इज द कोफिशियंट ऑफ वाई एंड सी इज दिस कॉन्स्टेंट टर्म. x1 y1 आर द गिवन पॉइंट्स. सो ए एक्स वन मीन्स 12 × -1 दैट इज -12, बी वाई वन मीन्स -5 × 1 दिस इज -5 एंड प्लस सी मीन्स द कॉन्स्टेंट टर्म +82 अपॉन √a² + b² 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25. अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल गेट मॉड ऑफ, ये साइन मॉड है, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं कि अगर आपका नेगेटिव भी आता है देन ऑल्सो वी हैव टू राइट पॉजिटिव आंसर बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस. सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे आया 65, ये 144 + 125 दैट इज 169, 169 मीन्स दिस इज 13 और मॉड ऑफ 65/13 मीन्स 65/13 यूनिट. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन यूजिंग दिस फार्मूला. और बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, ओनली आई वॉन्ट टू टेल हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी फार्मूला इन द क्वेश्चन. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दैट एक्सरसाइज, फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस
फ्रॉम द लाइन एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इज इक्वल टू वन आर फोर यूनिट। ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले पे बेस है। द क्वेश्चन इज दैट स्ट्रेट लाइन इज एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इक्वल टू वन, एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इक्वल टू वन। इसको 12 से 3 और 4 का एलसीएम, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरे इक्वेशन को, देन दिस इज कन्वर्टेड, दिस इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ दैट इज इन द जनरल फॉर्म दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज 4 एक्स प्लस 3 वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। नाउ लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी एच जीरो, एक्स एक्सिस से पॉइंट सपोज करना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू जीरो, सो दिस पॉइंट विल बी एच जीरो। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज ऑलरेडी गिवेन, वी हैव टू गिव दैट इज गिवेन इज इक्वल टू 4, और इस एच की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अप्लाई द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला वंस अगेन द सेम फार्मूला, दिस इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स वन 4 इंटू एच दैट इज 4h, 3 इंटू 0 दैट इज 0, 0 इज नॉट रिटन, माइनस 12 दैट इज कॉन्स्टेंट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द मॉड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एच बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ये मॉड साइन आपका ना हट जाए। सो बिफोर, अगर मॉड साइन हटाने का मेथड ये है कि राइट द प्लस माइनस साइन इन द राइट साइड। सो दिस कैन बी रिटन एज 4h माइनस 12 अपॉन 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4, अगर मॉड, जब तक आप मॉड साइन नहीं हटाएंगे तब तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, और मॉड साइन हटाने का मेथड यही है कि राइट प्लस माइनस साइन इन द राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड में, कोई जरूरी नहीं कि राइट साइड में ही आप प्लस माइनस लाइन लिखें, ऐसा भी लिख सकते थे प्लस माइनस 4h माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, किसी एक साइड में आपको प्लस माइनस साइन यूज करना है। सो लेट नाउ यूजिंग पॉजिटिव साइन, सो यूजिंग पॉजिटिव साइन दैट इज देन वी हैव 4h माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 4। पॉजिटिव ऑफ 4, दिस इज 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 4, 5 या 20, दिस इज 20, सो 4h इज इक्वल टू 32 एंड h इज इक्वल टू 8। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 8 टेकिंग पॉजिटिव साइन। नाउ राइट टेकिंग नेगेटिव साइन, सो 4h माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 4, सो 4h माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20, 4h इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12 माइनस 8 एंड h इज इक्वल टू माइनस 2, सो द सेकेंड वैल्यू ऑफ h इज माइनस 2। सो हियर आर द टू वैल्यूज ऑफ h, दैट इज फर्स्ट वैल्यू इज 8 एंड द सेकेंड वैल्यू इज माइनस 2, सो द पॉइंट इज द फर्स्ट माइनस टू जीरो आर या एन माइनस टू जीरो एंड एट जीरो, सो दीज आर द टू रिक्वायर्ड पॉइंट माइनस टू जीरो एंड एट जीरो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एच। सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दैट एक्सरसाइज 10.3। और ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट एक नया फार्मूला था, डिफरेंट फार्मूला था, सो हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट फार्मूला इन द क्वेश्चन, ओनली दैट आई वांट टू टेल विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 15x + 8y - 34 = 0
और दिस इज 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने के पहले एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस फार्मूले को आप तभी अप्लाई करेंगे जब एक्स और वाई का कोफिशियंट सेम होगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट 15, हियर इज ऑल्सो इज कोफिशियंट 15, यहाँ पे एक्स वाई कोफिशियंट ऑफ वाई इज 8, हियर ऑल्सो द कोफिशियंट ऑफ वाई इज 8। जब कोफिशियंट दोनों सेम होगा तभी आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। और अगर ना हो, जैसे इस प्लेस पे अगर लिखा होता 30x प्लस 16y प्लस 62 इक्वल टू 0, तो पहले आप उसको 2 से डिवाइड करके हम कोफिशियंट सेम कर लेते, उसके बाद आप ये फार्मूला यूज करते। दिस इज बेसिक रूल टू अप्लाई दिस फार्मूला दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी ऑलवेज सेम मीन्स इक्वल। फार्मूला इज डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी टू माइनस सी वन। सी टू इज कॉन्स्टेंट, दिस वन माइनस 34, हेयर माइनस 31, आप चेंज भी कर सकते हैं, 31 माइनस माइनस 34 भी लिख सकते थे। सी टू और सी वन कौन सा है, इसके कोई मतलब, आप किसी को भी सी टू या किसी को भी सी वन आप सपोज कर सकते हैं। सो माइनस 34 माइनस 31 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 25, 8 का 64, मॉड इन दोनों का 65, इन दोनों का ऐड करेंगे 289। सो मैग्नीट्यूड साइन मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 16 अपॉन 65 अपॉन 17, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत स्पेशल नहीं है, बट हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस फार्मूला इन द क्वेश्चन, दैट ओनली दैट आई वॉन्ट टू टेल। और एक बहुत ही बेसिक रूल टू बिफोर अप्लाइंग दिस फार्मूला, वी हैव टू कन्फर्म आवर सेल्फ दैट द कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी ऑलवेज सेम। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दैट एक्सरसाइज। और ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस रूट 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। सो वी हैव टू अप्लाई द फार्मूला फॉर द tan थीटा। और इस क्वेश्चन में उस tan थीटा के फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट आई वांट टू टेल विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस रूट 3x प्लस y इक्वल टू 1 एंड x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1। सो स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन m1 इज इक्वल टू फार्मूला फॉर द स्लोप, इफ द लाइन इज रिटन इन द ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज माइनस ए अपॉन बी मीन्स माइनस एक्स कोफिशियंट अपॉन वाई कोफिशियंट। सो माइनस रूट 3 अपॉन 1, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन माइनस रूट 3। बाय द सेम रूल स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, दिस इज m2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। सो दीज आर m2 एंड m1। वी हैव ए फार्मूला फॉर द tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स। सो tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 दिस माइनस रू अपॉन 1 अपॉन रूट 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस रूट 3 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2। सो 1 प्लस m1 इंटू m2 जो आप लिखेंगे, दिस रूट 3 एंड रूट 3 विल बी कैंसिल्ड, देन माइनस एंड माइनस इक्वल टू 1, रूट 3 एंड रूट 3 इज कैंसिल्ड। और m1 और m2 का ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको m2 सपोज कीजिए, इसको m1, m1 और m2 को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इन दैट केस ऑल्सो यू विल फाइंड द सेम आंसर। हियर रूट 3 इज LCM, देन वी हैव माइनस 1 अपॉन प्लस 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड अपॉन 1 प्लस 1 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दिस इज 3 माइनस 1 2, सो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, दिस इज 2 अपॉन 2 रूट 3, 2 एंड 2 इज कैंसिल, दिस इज मैग्नीट्यूड या मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट 3। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन द लाइन्स, so the angle between the lines is 30 degree, and so the angle between the lines are 30 degree and
150 degree. Acute angle 30 and the obtuse is 150, because if those two lines are intersecting, if these two lines are intersecting, agar ek angle 30 hai, agar ek angle 30 hai, the second one will be already automatically that will be 150. So both the answers are correct. और 150 कैलकुलेशन पे भी मिल सकता था, अगर आप इसकी जगह पे प्लस का जगह पे माइनस 1/√3 ले लेंगे तो वो 150 आएगा. बट यू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आप 30 डिग्री फाइंड करेंगे, ऑप्टिक्स एंगल वो अपने आप ही आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3. And this is question number 12, one of the most important, a very important question of this exercise 10.3. बहुत बहुत selected question है. And this question is important due to its calculation step. इसके calculation steps बहुत difficult है, standard है. Only therefore this question is important. And as a question also this question is important question of this exercise 10.3. And that is question number 12. Question is, the two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at 60 degree. If slope of one line is 2, find equation of the slope, equation of the other line. This is the question. So two lines passing through the point 2, 3. अब आपको इस question में find करना है equation of the line. So equation of the lines के लिए एक point, one point is already given. That point is 2, 3. इट मीन्स अगर एक पॉइंट पहले से आपके पास है, सो एनी हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट लाइन, देन वी कैन अप्लाई द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. सो मेन पर्पज इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन. सी द सोल्यूशन पार्ट इज, लेट स्लोप ऑफ द लाइन इज एम, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बिटवीन द लाइन गिवेन इज 60, थीटा इक्वल टू 60, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 10 60. फॉर्मूला पार्ट द टेन थीटा इसके प्रीवियस क्वेश्चन में है, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मॉड साइन फार्मूला हमने नहीं लिखा है. सो m1 माइनस m2 दिस इज m और उसका स्लोप माइनस 2, m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू √3. वी हैव टू रिमूव दिस मॉड साइन बिकॉज वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक आप मॉड साइन हटा नहीं देते हैं. और मॉड साइन हटाने का मेथड यही है कि इन द राइट साइड यू हैव टू पुट प्लस माइनस साइन. सो दिस इज एम माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3. विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एम माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. फर्स्ट यू टेक पॉजिटिव साइन एंड देन द नेगेटिव साइन. फर्स्ट वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन एंड देन द नेगेटिव साइन एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ m. Now you take, first you take the positive sign. Taking positive sign, taking positive sign. Calculation बहुत important question का. This is m minus 2 upon 1 plus 2m is equal to √3 divided by 1 cross multiplication. So √3 plus 2√3m is equal to m and minus 2. Equal to m minus 2. We have to find out the value of m. This is 2√3 minus m is equal to minus 2 minus √3. So 2√3m. 2√3m minus m, m common, then 2√3 minus 1 is equal to minus 2 minus √3. So m is equal to, we have, so m is equal to minus 2 minus √3 upon 2√3 minus 1. Then m equal to taking minus some minus sign common. So we can write minus of 2 plus 2√3 minus of 2 plus √3 upon
2 root 3 minus 1. This is the value of m taking positive sign. Now equation of the line. Equation of the line formula is y minus y1 is equal to m or x minus x1. So the point in this question is given 2, 3. Then y minus 3 is equal to m minus 2 plus 2 root 3 upon 2 root 3 minus 1 and into x minus 2. Into x minus 2, the point is 2, 3. This can be written as 2 root 3 minus 1 se aap multiply kare isko. This is y This is y into 2 root 3 minus 1, y into 2 root 3 minus 1, minus 3 into 2 root 3 minus 1, is equal to minus of 2 plus root 3 or into x minus 2. Now solve this one, y into 2 root 3 minus 1, calculation is difficult, minus 3 into 2 root 3 minus 1 is equal to minus of x into 2 plus root 3 minus 2 into minus and minus plus 2 into 2 plus root 3. In the terms of ax plus by plus equal to 0 ke form mein answer lana hai, so x will be in the left side. Then we have x into 2 plus root 3 plus y into 2 root 3 minus 1 minus 3 to just 6 root 3 minus 6 root 3 and plus 3 is equal to 2 to just 4 and plus 2 root 3. This can be written as x into 2 plus root 3 plus y into 2 root 3 minus 1 is equal to, suppose right side mein jayega, then 6 root 3 was plus ho jayega, then 8 root 3, 8 root 3 and 4 minus 3 plus 1. This is equation of the line taking positive sign. Now you take negative sign. Ab iska calculation sab sikh gaye kaise karna hai. We have to take the negative sign, taking negative sign. Taking negative sign. Then we have taking negative sign m minus 2 upon 1 plus 2m is equal to minus of root 3. Taking negative sign. From here also with the help of the same step you find out the value of m and then equation of the line. So, जब इसको solve करेंगे, sort कर लेते हैं, method बिल्कुल वही सही है. Taking negative sign और पूरा आप solve करेंगे, तो आपको m की value मिलेगी. Plus after solution, value of m is equal to you will get 2 minus root 3. 2 minus root 3 upon 1 plus 2 root 3, 1 plus 2 root 3. So equation of line y minus y1 3 is equal to m 2 minus root 3 upon 1 plus 2 root 3 or x minus x1 that is 2. और बिल्कुल उसी method से जिस method से आपने previous method किया है taking positive value बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द फाइनल आंसर द सेकंड आंसर या सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट विल कम x इनटू 2 माइनस रूट 3 माइनस y इनटू 1 प्लस 2 रूट 3 is equal to minus 1 plus 8 under root 3.
सेम स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन इसके प्रीवियस में जैसे आपने किया है वैसे करेंगे, देन यू विल फाइंड द सेकेंड केस ऑफ दैट लाइन. सो दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स कैलकुलेशन स्टेप्स. So after question number 12, one more important question of this exercise is, that is question number 13. Question is, find equation of the right bisector of the line joining the two points 3, 4 and -1, 2. Right bisector means perpendicular, by right means perpendicular and bisector means bisector. So for the perpendicular bisector, right bisector means we have to find out the equation of the perpendicular bisector of the given line. So let given line is your AB, the points are here 3, 4 and -1, 2. This is your perpendicular bisector. Perpendicular bisector is perpendicular to the given line and also passing through the midpoint of that line. This is perpendicular bisector और इसी का हमको equation find करना है perpendicular bisector का. So the solution part is this coordinate of the midpoint. Midpoint is लिए क्योंकि वो bisector है. So coordinate of the midpoint of the given line x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, so 3 minus 1 upon 2, 4 plus 2 upon 2, the midpoint is 1, 3. Slope of the given line, is line ka slope, formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, so 2 minus 4 upon minus 1 minus 3, this is minus 2 upon minus 4 and this is 1 upon 2. Ye slope hai given line ka. Slope of the given line is this one, but we have to find out the perpendicular line. So slope of the perpendicular line, slope of perpendicular line method ye kya hai, slope of the perpendicular line ka reciprocal or sign change, this is -2. Ab us line ka, jis line ka aapko equation find karna hai perpendicular line ka, wo point midpoint se find karta hai, pass karta hai, to midpoint ka coordinate aapke paas hai aur uska slope bhi -2 hai, then you can find out the equation of the line. So equation of line is, so equation of line या equation of perpendicular bisector, that is formula is y minus y1 is equal to m or x minus x1. Coordinate of the midpoint was 1, 3. So y minus 3 is equal to m minus 2 or x 1. The first word 1. So x minus 1. This is y minus 3 is equal to -2 x and +2, and this can be written as after simplification 2x idhar aayega, so this is 2x and plus y, 2x plus y is equal to 5, 2x plus y is equal to 5 या 2x plus y minus 5 is equal to 0. This is equation of the perpendicular bisector of this line, question number 13. So in this part 1 of this exercise 10.3, we have taken some selected questions, some important question of this exercise 10.3. So I hope all the concept, all the calculations steps are clear to you, and wait for the next video. Thank you.